चीन की तरफ से मिल रही धमकियों के बाद जापान ने चीन के ऊपर 1000 क्रूज मिसाइलों की तैनाती की योजना बनाई है। जापानी अखबार योमी उरी ने रिपोर्ट में कहा कि जापान अपनी आत्मरक्षा के लिए 1000 क्रूज मिसाइलों की तैनाती की योजना बना रहा है। इन मिसाइलों को जापान ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्स द्वारा बनाया जाएगा। ये मिसाइल टाइप 12 सबमरीन एंटी शिप मिसाइल होगी। ये मिसाइल 1000 किलोमीटर तक हमला कर सकेगी। इन मिसाइलों को जहाजों और फाइटर जेट पर तैनात किया जाएगा। जापान इन मिसाइलों को अपने दक्षिणी पश्चिमी द्वीपों पर तैनात करने की योजना बना रहा है। जापान अपनी जमीनी मारक क्षमता को भी अपग्रेड कर रहा है ताकि जरूरत पड़ने पर चीन को मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके। इसके लिए जापान का रक्षा मंत्रालय पूंजी का निवेश कर रहा है। जापान ने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से शांतिवादी विदेश नीति बनाए रखी है और अपनी सेना को सिर्फ आत्मरक्षा तक सीमित रखा है। फिर भी जापान की सेना एशिया की सबसे शक्तिशाली सेनाओं में से एक है, लेकिन चीन को लेकर जापान को अपनी रणनीति बदलने की जरूरत है और जापान इसी काम में जुटा है। जापान को चीन के साथ उत्तर कोरिया से भी खतरा है। उत्तर कोरिया बार बार जापानी समुद्र में मिसाइलों का परीक्षण कर रहा है, इसलिए जापान अब रक्षात्मक नीति को छोड़कर आक्रमण नीति अपना रहा है। उत्तर कोरिया ने सैकड़ों बैलिस्टिक मिसाइलों की तैनाती कर ली है जो जापान पर कभी भी हमला कर सकती है। चीन और उत्तर कोरिया ने हाइपरसोनिक हथियार भी बना लिए हैं जो जापान की सुरक्षा को नष्ट करने की क्षमता रखते हैं। इससे जापान पर बड़ी मुसीबत आ सकती है, इसलिए जापान अपनी सुरक्षा की तैयारी कर रहा है। चीन के पास 1900 जमीन से लॉन्च करने वाली बैलिस्टिक मिसाइलों के साथ 300 क्रूज मिसाइल है जो जापान को संकट में डाल सकती है। वहीं अमेरिका ने जापान की सुरक्षा के लिए पैट्रियट और एजिस एयर डिफेंस सिस्टम दे रखे हैं। इसके बाद भी जापान का एयर डिफेंस सिस्टम कमजोर है, जिसका चीन और उत्तर कोरिया फायदा उठा सकते हैं। जापान 2024 तक इन 1000 मिसाइलों की तैनाती करने वाला है। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज दोस्तों हमारी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी दबाएं।